सरकार लाडली लक्ष्मी योजना चलाकर बेटियों को उनका हक दिलाते हुए उन्हें अपना भविष्य बनाने के अवसर प्रदान करती है, लेकिन सरकार की मंशा पर पानी फेरते हुए भ्रष्ट प्रशासनिक अमला इन लड़कियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ताजा मामला सिरमौर का है, जहां एक मासूम प्रतिभावान बच्ची का केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसके पिता ने घूस के रूप में मोटी रकम अधिकारियों को नहीं खिलाई और उसका गरीबी रेखा का कार्ड नहीं बन पाया। पहले हम आपको सुनाते हैं उस मासूम बच्ची की अपील जो अपना दर्द बयां कर रही है। इसके बाद हम आपको सुनाएंगे पिता को जो बता रहे हैं कि कैसे पटवारी तहसीलदार के निकम्मे पन ने एक बच्ची के उज्जवल भविष्य को खतरे में डाल दिया और आज वो दर दर की ठोकरे खाते इस अधिकारी से उस अधिकारी के कार्यालय का चक्कर लगा रहा है। नाम मोहिना सिंह बघेल है, मेरे पापा का संदीप कुमार सिंह बघेल है, मेरे मम्मी का नाम रेणु सिंह बघेल है, मेरा गांव बरों में है। मेरा केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन हो गया था पर तहसीलदार और पटवारी जी के कारण बीपीएल कार्ड ना बनाने से मेरा एडमिशन नहीं हुआ। क्या मैं नहीं पढ़ सकती हूँ? मेरे पापा के पास इतने पैसे नहीं है जिससे वो मेरी फीस भर सके। सुना आपने, मासूम की उड़ान भरने से पहले ही भ्रष्ट प्रणाली ने उसके पर कैसे कतर दिए। दरअसल सिरमौर तहसील के बरौ के रहने वाले पिता के सपने इसलिए उड़ान नहीं भर सके क्योंकि वो अपनी गरीबी का प्रमाण पत्र नहीं दिखा पाया और केंद्रीय विद्यालय से उसकी बेटी का नाम काट दिया गया। आइए सुनाते हैं पीड़ित पिता को। हमारा नाम संदीप कुमार सिंह है। बताइए, किस कारण से आपके बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाया, किस कारण से आप परेशान हैं? हमारे बच्चे का एडमिशन बीपीएल कार्ड के लिए हम अप्लाई किए थे, मायूरी त्रिपाठी एवं तहसीलदार प्रवीण त्रिपाठी जी थे सिमरिया तहसील में, उनसे हम संपर्क किए कि सर 5-6 महीने पहले से आवेदन किए हैं तो हमारा बीपीएल कार्ड बनवा दीजिए, बच्ची का हमारे नाम आ गया है। तो बोले कि आपकी बच्ची का नाम आ गया है, आप सीएम हेल्पलाइन करते हो? तो बोले कि सर हम परेशान हैं इसलिए सीएम हेल्पलाइन कर दिए थे। तो मायूरी त्रिपाठी और प्रवीण त्रिपाठी जी तहसीलदार साहब हमसे मिलकर मोबाइल मांगे, मोबाइल मांगने पर हम नहीं दिए तो लपट के छीन कर मोबाइल ले लिए और फिर हमारी शिकायत ओटीपी निकाल करके बंद कर दिए और हमको पता भी नहीं चला। जब हम मोबाइल देखे तो उसमें मैसेज आया कि आपकी शिकायत बंद कर दी गई है, तब हमको पता चला और हमारे केंद्रीय विद्यालय से हमारी बच्ची का एडमिशन नहीं हो पाया। क्या चाहते हैं आप, कहाँ कहाँ शिकायत की, कलेक्टर से बात की, एसडीएम से और बात की आपने? जी, कलेक्टर साहब से मिले हैं और एडिशनल एसपी साहब से मिले हैं और सीएम साहब को फैक्स किए हैं और वो ईमेल में उनके भेजे हैं और इकलौती संतान हमारी बच्ची है और सीएम साहब बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन हमारे लिए कुछ सब खाली रह गया, हमारी बच्ची पढ़ने से असमर्थ हो गई। क्या कारण बताया, क्यों नहीं बनाया आपका बीपीएल कार्ड? बस यही कह रहे थे कि बन जाएगा, 5 तारीख तक डेट थी, रोज़ बुलाते थे कि आज आ जाओ कल आ जाओ, फिर वहाँ जाएं तो कहें कल आना परसों आना और ये पटवारी जो हैं मायूरी त्रिपाठी वो फ़ोन रिसीव करना बंद कर दी। कोई पैसे से की मांग तो नहीं की जा रही? पैसे की मांग नहीं करी है, लेकिन चाहती थी पैसा दे दे तो बन जाए, अब मांगी नहीं तो हम दिए नहीं, इसीलिए हमारी बच्ची छूट गई पढ़ने में। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि पटवारी और तहसीलदार इस तरह कृत्य किए हैं तो इनको तो FIR होना चाहिए और हमारा भरपाई किस तरह हो उसका कुछ हमारे लिए विचार करें। पटवारी मायूरी त्रिपाठी जी हैं और तहसीलदार प्रवीण त्रिपाठी हैं। पटवारी हल्का क्या है? हमारा हल्का बरौ है। क्या